हेलो गाइस, मैं मोसीबुल। आप लोग देख रहे हैं मेरा आपका यूट्यूब चैनल जुगंधरा। इस वीडियो बताने वाला हूँ कतर का हुंडई कंपनी के बारे में। कतर का हुंडई कंपनी के बारे में बताने के लिए बहुत सारे भाई कमेंट किया है। कतर का जो हुंडई कंपनी कैसा कंपनी है, ये बड़ा कंपनी है कि सप्लाई कंपनी। इसको हम जाएंगे तो आपको टाइम टाइम सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हुंडई कंपनी में जाएंगे तो क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा। इस वीडियो में हुंडई कंपनी के बारे में डिटेल्स बताने के लिए कोशिश करूंगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है जरूर सब्सक्राइब करके रखे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर रखे। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहेगा। साउथ कोरिया में हुंडई कंपनी के हेड ऑफिस है, लेकिन आज इस वीडियो बताऊंगा कतर का जो हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में। इस वीडियो आप लोगों को बताऊंगा जो हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो ब्रांच है, इस ब्रांच में 1600 एम्प्लॉइज है इस कंपनी के अंदर। हुंडई कंपनी बहुत बड़ा कंपनी है जो सारे देश में है, इंटरनेशनल कंपनी है। कतर का जो हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उसके बाद हाउसिंग का काम करते हैं, हाउसिंग का बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे साइट भी है, उसके बाद बहुत सारे प्लांट में काम करते हैं। कतर में जो बड़ा बड़ा प्लांट है उस प्लांट में ये हुंडई कंपनी काम करते हैं। कतर में जो सोलर प्लांट है तो सोलर प्लांट में काम करते हैं। अभी हुंडई कंपनी के बहुत सारे साइट है कतर में, बहुत सारे साइट कंप्लीट कर चुके हैं, तो कतर में अभी भी बहुत सारे साइट है, जैसा नेशनल म्यूजियम साइट अभी भी चल रहे हैं, द अजीटो पावर प्लांट का काम चल रहा है, ये भी बहुत बड़ा साइट है। उसके बाद कमर्शियल MX प्रोजेक्ट में काम चल रहा है, उसके बाद सोलर प्लांट में काम चल रहा है। ये सारे प्रोजेक्ट में जो नया नया साइट है, लेकिन जो म्यूजियम साइट है पुराना साइट है, लेकिन ये साइट जो सोलर प्लांट है ये नया साइट है। अभी कतर में बहुत सारे साइट में काम चल रहे हैं। हुंडई कंपनी में एक वर्कर के लिए क्या क्या फैसिलिटी है, हुंडई कंपनी में जाएंगे तो टाइम टाइम सैलरी मिलेगा, 1 से 4 तारीख के अंदर ही आपको सैलरी मिल जाएगा। सैलरी के लिए थोड़ा सा मुश्किल नहीं होता मैं। उसके बाद ओवर टाइम के लिए बहुत सारे व्यूअर्स ओवर टाइम के बारे में पूछ रहे हैं। ओवर टाइम देखिए, हुंडई कंपनी जाएंगे तो ओवर टाइम आपको मास्ट भी 3 घंटा मिलेगा, और 3 घंटा तो मिलेगा, उसके बाद 4-5 घंटा की 6 घंटा हर दिन 6 घंटा ओवर टाइम होता है। ऐसा भी साइट है जिस साइट में जाएंगे तो आपको हर 6 घंटा करके ओवर टाइम होगा। इस कंपनी का जो लेबर कैंप है, दूसरा जो लेबर कैंप से बहुत ही बेहतर है, और जैसे सप्लाई कंपनी में जो लेबर कैंप होता है उसमें एक ही बेड में 2 आदमी रहता है, लेकिन जो हुंडई कंपनी के जो लेबर कैंप में जो बेड है, इस बेड में सिर्फ एक ही आदमी रहता है। सप्लाई कंपनी में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, एक ही रूम में बहुत सारे आदमी रहते हैं, लेकिन जो हुंडई कंपनी के जो लेबर कैंप में एक ही रूम में ज़्यादा आदमी नहीं रहते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत सारे सुविधा होता है। क्योंकि अगर आप एक ही रूम में ज़्यादा आदमी रहेंगे तो रूम भी बहुत ही गंदा हो जाता है, और साइट भी बहुत ही नज़दीक होता है, बहुत दूर में साइट नहीं होता है। क्योंकि साइट का नज़दीकी जो बड़ा साइट के नज़दीकी कैंप ले लेता है, आने जाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इस कंपनी के अंदर बहुत सारे ट्रेड में आप काम कर सकते हैं, बहुत सारे वैकेंसी निकलते हैं, पूरा इंजीनियर से लेकर पूरा वर्कर तक आपको पूरा वैकेंसी रहता है। एक इंजीनियर का वैकेंसी रहता है, वर्कर के लिए जैसे आप इलेक्ट्रिशियन बोले, प्लम्बर बोले, और भी बहुत तरह का जैसे आप AC टेक्नीशियन बोले या मिशन बोले, बहुत सारे ट्रेड का इस कंपनी में काम होता है। तो इसीलिए अगर इस कंपनी का कहीं से इंटरव्यू चल रहे तो इंटरव्यू दे सकते हैं, और हुंडई कंपनी जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल नहीं होगा। उम्मीद करता आप लोगों को जानकारी मिल गया है हुंडई कंपनी के बारे में, हुंडई कंपनी कैसा है। हुंडई कंपनी सप्लाई कंपनी नहीं है, ये बहुत ही बड़ा कंपनी है। इसको हुंडई कंपनी के बारे में जानकारी मिल गया है, और ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा, थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ तो वीडियो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस करके रखिए। इस तरह हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहेगा।